बात होगी बीकानेर संभाग की, क्या कह रहा है बीकानेर और बीकानेर की सिटी आखिर सोचती क्या है सिटी पॉलिटिक्स को लेकर। कल तक बीजेपी में नाराजगी की खबरें जोर पकड़ रही थी और आज वही हाल कांग्रेस का है और यह हर बार होता है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीडी कल्ला का टिकट कटना, आक्रोश और विरोध अब कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, तस्वीर क्या कह रही है? देखिए अनुपम, ये बात सही है, विरोध झेल रही है कांग्रेस। यहाँ पर बीडी कल्ला के समर्थक और खास तौर पर पुष्करणा जाति के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, उन्होंने टायर फूके हैं, विरोध किया है, नारेबाजी की है, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, तो तमाम वो कोशिश की है। उनके भाई हैं जनार्दन कल्ला, बीडी कल्ला के भाई जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बयान भी दिया। हालांकि पहले तल्खी आ रही थी, लेकिन अब बयान में ये आया है कि बीडी कल्ला नामांकन तो दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए ही नामांकन दाखिल करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे, पार्टी पुनर्विचार करे। साथ ही साथ अंत में ये भी कह गए जनार्दन कल्ला कि यदि कुछ नहीं हुआ तो हम यशपाल गहलोत का ही समर्थन करेंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये बात सही है कि ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस से नाराज जरूर होंगे कहीं ना कहीं इस टिकट को लेकर, क्योंकि 7 विधानसभा सीट है और एक भी ब्राह्मण को कांग्रेस ने यहाँ मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन यशपाल गहलोत माली समुदाय से आते हैं, सैनिक समुदाय से, और यहाँ वोट ठीक ठाक है उनके, नया चेहरा है, युवा चेहरा है। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि युवा को मौका दिया जाएगा, संभवतः उसी के चक्कर में यशपाल गहलोत को टिकट मिला है। और बीडी कल्ला चूंकि लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे, तो जो जो भी नाम कटे हैं उन्हीं में से एक नाम बीडी कल्ला का। बीडी कल्ला निश्चित तौर पर बड़े नेता थे और इस बार सर्वे रिपोर्ट भी ठीक थी। लेकिन 7 सीटों पर अब क्या समीकरण देखते हैं, चूंकि सारे योद्धा मैदान में। देखिए बिल्कुल, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने सुरमाओं को टिकट देकर मैदान में भेज दिया है। 7 सीट की यदि हम बात करें तो हॉट सीट की हम बात कर लेते हैं, समय कम है आपके पास, क्योंकि नोखा में सीधी फाइट है रामेश्वर डूडी और बिहारी विश्नोई, लेकिन नोखा से जो ट्रायंगलर बनाते थे कन्हैयालाल झंवर, उनको कांग्रेस ने शिफ्ट कर दिया है बीकानेर पूर्व में, तो रामेश्वर डूडी की राह थोड़ी आसान नजर आती है। लेकिन भाई ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कब क्या हो जनता तय करती है, इसलिए वहां लेकिन सीधी टक्कर है। इसके अलावा वीरेंद्र बेनीवाल लूनकर्ण से जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी सुमित गोदारा भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2 जाट प्रत्याशियों में टक्कर है। और एक और सीट जो है बीकानेर पश्चिम, जिसकी बात हमने करी ली, ये 3 सीट है जिस पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा खाजूवाला है जहां पर विश्वनाथ मेघवाल है और कांग्रेस ने गोविंद मेघवाल को टिकट थमाया है। बिल्कुल, लेकिन खाजूवाला से 2 बार के विधायक और संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया, इस बार क्या मुकाबला वाकई कड़ा होने वाला, यही मानकर चले लक्ष्मण? देखिए बिल्कुल अनुप, आप ठीक कह रहे हैं, खाजूवाला में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, ये सही बात है। गोविंद मेघवाल पिछला चुनाव हार गए थे और संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल जो विधायक थे, संसदीय सचिव भी बने, 2 बार लगातार विधायक रहे, 10 साल से विधायक हैं, थोड़ी बहुत एंटी इनकमेंसी चलेगी। इसके अलावा गोविंद मेघवाल मजबूत दलित नेता है, इसमें कतई शक नहीं है, तो इस बार निश्चित तौर पर संसदीय सचिव के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना पिछला चुनाव आसान रहा। लेकिन आज जब पर्चा दाखिल किया उन्होंने तो निहाल चंद जो श्रीगंगानगर के सांसद हैं वो उनके साथ रहे, साथ ही साथ विश्वनाथ मेघवाल ने ये कहा कि ये टिकट जनता की है और जनता मेरे साथ है। अब ये जनता तय करेगी कि वाकई साथ है कि नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खाजूवाला में मुकाबला टाइट होगा, नेक टू नेक होगा। लेकिन लक्ष्मण, अगर जिस तरीके से हमने देखा जब बीजेपी ने टिकट अनाउंस किए और उसके बाद जब आज कल देर रात कांग्रेस ने टिकट अनाउंस कर दिए, तो जो स्थिति बीजेपी की थी वही अब कमोवेश कांग्रेस की है। संभाग की अगर हम बात करें तो किन किन सीटों पर अपने ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो? देखिए बीकानेर में एक खास फर्क है इस बात में, भाजपा में जहां बागियों की बहार आ गई थी, श्री डूंगरगढ़ से कृष्णा राम नाई लड़ेंगे, लूनकर्ण सर से सुमित सारस्वत लड़ेंगे, बीकानेरपुर से रिश्वत भाटी लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस में विरोध तो निश्चित तौर पर ज्यादा हुआ है, इसमें कतई शक नहीं है, प्रदर्शन तक हुआ है सड़कों पर और बीडी कल्ला के समर्थक तो अब भी आक्रोशित है। लेकिन निर्दलीय लड़ने की जो हिम्मत जुटाना मुझे लगता नहीं है बीडी कल्ला जैसा बड़ा नेता भी करेगा, वो इसलिए नहीं कि वो जीते ना जीते, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पार्टी से नाराजगी इस वक्त पर वो मोल नहीं उठा। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक परेशानी है कि अपनों से कैसे